गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ्स योर फाइन? ओके, तो हमने लास्ट सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, उसके बेस एक्सरसाइज नंबर 6 और 7 की, उसके बाद इलास्ट्रेशन नंबर 9 किया, दैट इज फॉर 4 मार्क्स. ओके, नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर फाइंड किया था. ओके, चलो अभी उसी कॉन्सेप्ट के बेस यहां पे हमारे पास है एडिशनल एक्सरसाइज में, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 25. ओके, वो सेम न्यूमेरिकल है बट यहां पे नेटवर्क दैट इज सर्किट वो अलग दी गई हुई है. ओके, चलो तो अभी हम एक्सरसाइज नंबर 25 पे वर्कआउट करेंगे. ओके, चलो तो फॉर गिवन नेटवर्क फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये जो नेटवर्क यहां पे दिया गया हुआ है चार कैपेसिटर्स का, C1, C2, C3 एंड C4. ओके, यहां पे जो ये नेटवर्क दिया गया है विद अ सप्लाई ऑफ 300 वोल्ट, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दैट इज टोटल कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क. ओके, बाद में दो और क्वेश्चन है पर उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं. ओके, चलो तो पहले यहां पे नेटवर्क को पहले बराबर समझिए. इस नेटवर्क से हम सॉल्यूशन में थोड़ा दूसरे टाइप का नेटवर्क बनाएंगे, इसको बराबर समझ सके इसीलिए, है ना? ओके, तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस का आपको कॉन्सेप्ट समझ में है. ओके, तो उसी के बेस हम यहां पे शॉर्ट आउट करेंगे. ओके, देखो यहां पे सप्लाई का 300 वोल्ट अगर यहां पे सप्लाई रहता, ओके, देन ओनली C2 एंड C3 आर इन सीरीज एंड C1, C2, 3 एंड C4 आर इन पैरेलल, बट यहां पे ऐसा नहीं है. यहां पे कैसे है देखिएगा बराबर, यहां पे 300 वोल्ट का सप्लाई यहां पे दिया गया है. ओके, तो उसको थोड़ा बराबर समझिएगा. तो देखो सीरीज और पैरेलल को, कॉम्बिनेशन को हम एग्जैक्ट कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, तो यहां पे देखिए कि चार्ज कहां से निकलता है, सप्लाई के पॉजिटिव एंड से, है ना? ये कॉन्सेप्ट वाइज हम ऐसे समझते हैं. ओके, तो ये जो पॉजिटिव है 300 वोल्ट सप्लाई का, यहां से चार्ज निकलेगा, यहां से यहां जाएगा, इस पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज, तो इन दोनों में से तो चार्ज सेम जाएगा. ओके, दैट्स व्हाई ये C2 एंड C3 आर इन सीरीज और यहां से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सो C2, C3 एंड C1 आर कॉल्ड इन पैरेलल. समझ में आ रहा है? और यही चार्ज यहां से वापस घूम के यहां आएगा, यही चार्ज यहां से वापस घूम के यहां आएगा, तो यहां से तो कंबाइन होके वापस यहां पे जाएगा चार्ज. ओके, तो इसका जो यहां पे टोटल चार्ज था, वो टोटल चार्ज यहां से वही सेम चार्ज C4 में से जाएगा. ओके, सो ये जो डिब्बा है, डिब्बा द कॉम्बिनेशन C2, C3 एंड C1, उसका नेट चार्ज यहां से जा रहा है. ओके, सो इन तीनों के साथ ये C4 कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में. समझ में आया? हाँ, चलो वापस थोड़ा समझाता हूं मैं. तो देखिएगा इस सर्किट से हम दूसरा सर्किट कैसे बनाते हैं. ओके, तो देखो ये जो पॉजिटिव है ना, उसको खोल के पूरा इस साइड पे रखते हैं. तो ऐसे ऐसे खोल के पूरा इस साइड पे रखोगे तो ये पॉजिटिव एंड इस साइड पे आएगा, C2 C3 ऊपर जाएगा और C1 नीचे आएगा, ये पूरा डिब्बा ऐसे करके, तो हो गया ऐसे C2 C3 आर इन सीरीज और उसके साथ C1 कैसे गया? पैरेलल में गया. यही समझिए, ये समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल में कुछ है ही नहीं. इस पॉजिटिव एंड को मैंने खींच के यहां पे रख दिया. ओके, तो C2 C3 सीरीज में और C1 पैरेलल में आ गया. ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है उसके साथ C4 तो सीरीज में आएगा ना,
ओके तो C4 इज इन सीरीज, ये समझ में आया। ये सर्किट से हमने ये एकदम इजी सर्किट, इजी नेटवर्क बनाया, वो आपको समझ में आया? क्लियर क्लियर, यही क्लियर होना चाहिए, बाकी तो न्यूमेरिकल तो आपको आएगा ही है। ये सर्किट समझ में आया? तो यहाँ पे लास्ट में नेगेटिव एंड रख दिया, और इन दोनों के बीच कितना वोल्ट का सप्लाई है? 300 वोल्ट का, और सभी कैपेसिटर्स का वैल्यू पिको फैरड में है, लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके चलो, तो पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट फाइंड करना है नेटवर्क का। चलो तो आराम से करेंगे, ओके कोई जल्दी नहीं है। चलो पहले क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, जो दिख रहा है वो करना है हमें। चलो पहले क्या करेंगे, C2 एंड C3 यहाँ पे कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नॉट एडिशन डायरेक्टली बट इनवर्स एडिशन में आएगा। अच्छा, तो C2 और C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम मिक्सचर का लेंगे C2-3। तो C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके तो उसका इनवर्स एडिशन के वाइज होगा, इसके दोनों का मिक्सचर C2-3 करेंगे हम, तो 1/C2-3 इज इक्वल टू 1/C2 + 1/C3। C2 और C3 का वैल्यू कितना है? 200 है, 200 पिको फैरड, सो 1/200 + 1/200 दैट इज 2/200। ओके तो ये तो किसका आंसर आया? 1/C2-3 का 2/200, तो C2-3 का क्या आएगा? 200/2 दैट इज 100। अच्छा, तो ये इसका कॉम्बिनेशन जो सीरीज में था C2-3, उसका C2-3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया? 100 पिको फैरड। समझ में आया? ओके हो गया इसका कॉम्बिनेशन। अभी ये और ये C1, C2-3 और C1 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ओके सो C1 और C2-3 का मिक्सचर हम लेंगे C1-2-3, ओके सो C1 एंड C2-3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके चलो तो उसका कॉम्बिनेशन हम लेंगे C1-2-3, तो पैरेलल में तो डायरेक्ट एडिशन होता है, सो C1-2-3 दैट इज इक्वल टू C1 + C2-3। अच्छा, C1 + C2-3, C1 का वैल्यू कितना है? 100 पिको फैरड, 100 पिको है, 100 प्लस C2-3 का आंसर कितना लाया? 100, 100 प्लस 100 दैट इज 200। तो ये किसका आंसर आया हमारा? ये C1-2-3 का आंसर आ गया, ये डिब्बा पूरा सॉल्व हो गया। अभी ये डिब्बा C1-2-3 और C4, C1-2-3 और C4 सीरीज कॉम्बिनेशन में, ओके सो C1-2-3 एंड C4 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके सो उसका ये टोटल हो गया ना, सबका कॉम्बिनेशन हो गया ना, तो ये फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कहेंगे ऑफ नेटवर्क सी। तो सीरीज में है C1-2-3 और C4 सीरीज में, ओके सो फाइनल कॉम्बिनेशन इज सीरीज में है, सो इनवर्स एडिशन आएगा, सो 1/C इज इक्वल टू 1/C1-2-3 + 1/C4, ओके 1/C1/C1-2-3 का आंसर कितना है? 200, सो दैट इज 1/200 प्लस C4 का वैल्यू कितना है? 100 पिको फैरड। अच्छा, यहां से 200 LCM लेंगे तो यहां पे ऊपर आएगा 1 और यहां पे 200 LCM लिया ना, सो 2 1 + 2 दैट इज 3 3/200 दैट इज 1/C इज इक्वल टू 3/100, सो C इज इक्वल टू 200/3 और कैपेसिटेंस सभी पिको फैरड में है, सो यहां से 200/3 पिको फैरड। बोलो समझ में आए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, है ना? ये इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क हमने यहाँ पे फाइंड किया, क्लियर? गॉट इट? सेम जो कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है उसको यहाँ पे लगा लेना, हो गया? चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है? वोल्ट ऑल्सो फाइंड वोल्टेज अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कैपेसिटर,
वोल्टेज अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कैपेसिटर फाइंड करना है, और ऑल्सो फाइंड दूसरा क्या फाइंड करना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. ओके, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, चार्ज फाइंड आउट करेंगे, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर लास्ट न्यूमेरिकल के वाइज. हाँ चलो, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पहले टोटल चार्ज फाइंड कर देंगे, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूशन में रखेंगे. चलो, तो टोटल चार्ज ऑफ नेटवर्क दैट इज क्यू इज इक्वल टू टीवी नहीं सीवी. अच्छा, सी कितना फाइंड आउट किया, 200/3, पर पीको में है सो दैट इज 10^-1, और वोल्टेज सप्लाई कितना है 300. ओके चलो, तो चार्ज कितना आएगा हमारे यहाँ पे क्यू, चार्ज क्यू का आंसर कितना आएगा, क्यू का आंसर कितना आएगा, कैल्सी का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे. ओके, यहाँ पे 2 0 और 2 0 दैट इज 10^4, और यहाँ पे कितना है -12, 4 - 12 दैट इज -8, सो 10^-8, और ये 3 और ये 3 तो कैंसल हो जाएगा, तो आंसर में ओनली क्या आएगा 2. सो कितना चार्ज आएगा, नेट चार्ज टोटल चार्ज 2 × 10^-8. क्लियर है ना, तो यहां से ईच चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर पे फाइंड करना है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए. तो ये टोटल चार्ज 2 कूलम है 10^-8 में, ये कहां से निकलेगा, सप्लाई के पॉजिटिव में से. तो देखो, यहां से 2 कूलम चार्ज आएगा 10^-8 में. ओके, तो यहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, यहां पे, और यहां से 2 रास्ते पड़ रहे हैं. ओके, सो यहां से 2 रास्ते हैं, तो थोड़ा इन दोनों में जाएगा और बाकी का इन में आएगा. ओके, और यहां पे देखिए, थोड़ा C2 और C3 के कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस हमने कितना फाइंड किया हुआ है, 100 pF. सो इस लाइन का कैपेसिटेंस 100 pF है, और इस लाइन का कॉम्बिनेशन भी कितना है, 100 pF है. तो यहाँ पे जो चार्ज है 2 कूलम वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो सेम ही है दोनों लाइन का, इसका 100 pF और इसका भी 100 pF, सो इनमें चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे. ओके, तो यहां से जो 2 कूलम का चार्ज है 10^-8 में, तो यहां से ऊपर से कितना जाएगा, 1 कूलम में जाएगा 1 कूलम यहां से जाएगा, 1 कूलम यहां से जाएगा 10^-8 में. समझ में आ रहा है ना. हाँ, और यहां से 1 × 10^-8 कूलम इस पे आएगा, 1 × 10^-8 कूलम यहां पे आएगा, तो यहां पर वापस कितना रहेगा, C4 पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना रहेगा, 2 × 10^-8. हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, न्यूमेरिकल इज ओवर. वापस 2 × 10^-8 कूलम टोटल चार्ज है, वो पॉजिटिव एंड से निकले, यहां पे गया तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 2 का, 2 कूलम चार्ज का 10^-8 में. तो यहां पे C2-3 का कॉम्बिनेशन 100 pF है, C1 का भी 100 pF, सेम कैपेसिटेंस से तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. अच्छा, तो 2 का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन 1:1. ओके, सो C2 और C3 पे 1 × 10^-8, और C1 पे भी 1 × 10^-8. ओके, ये 1 × 10^-8 यहां आएगा, 1 × 10^-8 यहां आएगा, तो C4 पे कितना आएगा, 2 × 10^-8. ओके, तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर फाइंड हो गया ना. हाँ, कैसे, समझ में आया, हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व, कैसे होगा. सो चार्ज ऑन कैपेसिटर C4, ये तो पॉजिटिव में से निकला है, यहां तो टोटल चार्ज ही आएगा, सो 2 × 10^-8. क्लियर, चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 और C3 दैट इज Q2 और Q3 2 × 10^-8 था, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो C2 और C3 पे 1 × 10^-8, और चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 पे यहां पे भी कितना आएगा, 1 × 10^-8, दैट इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. और ऑल्सो क्या फाइंड करना है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस टू एंड ऑफ ईच कैपेसिटर, वोल्टेज फाइंड करना है.
तो हमें कैपेसिटेंस सभी कैपेसिटर्स के मालूम है, चार्ज सभी कैपेसिटर पे मालूम है, तो वोल्टेज फाइंड करने के लिए Q इज इक्वल टू सी वी, सो V इज इक्वल टू Q बाय C। तो हर एक कैपेसिटर पे वोल्टेज C1 पे V1, C2 पे V2, C3 पे V3 और C4 पे V4, तो इस इक्वेशन के वाइज जाएंगे। सो वोल्टेज अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कैपेसिटर C1, दैट इज V1 इज इक्वल टू Q1 बाय C1, V2 is equal to Q2 by C2, V3 is equal to Q3 by C3, and V4 is equal to Q4 by C4. सभी वैल्यू हमें मालूम है। चलो Q1 का वैल्यू कितना है, 1 into 10 raise to minus 8, और C1 का वैल्यू कितना है, 100 पिको फैरड। अच्छा 100 पिको है, that's why 10 raise to minus 12। ओके, अभी यहां से कैल्सी का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा ये 100 है, that is 10 raise to 2, 10 raise to 2 minus 12, that is 10 raise to minus 10, my 10 raise to minus 10, ऊपर आएगा numerator में, so 10 raise to 10, 10 minus 8, 10 raise to 2, that is 10 raise to 2, that is 100 volt, समझ में आया? Similarly, Q, V2 के लिए Q2 by C2, Q2 का value कितना है? 1 into 10 raise to minus 8, और C2 का वैल्यू कितना है, 200 into 10 raise to minus 12, यहाँ पे 100 था डिवाइड में, यहाँ पे 200 है, तो डिवाइडेड बाय 2 ही रहेगा ना, so 100 divided by 2, that is 50 volt. Similarly, voltage across two ends of capacitor C3 is V3 is equal to Q3 by C3, Q3 का वैल्यू 1 into 10 raise to minus 8, और C3 का वैल्यू 200 पिको फैरड, सो 200 into 10 raise to minus 12, ये और ये तो सेम है, सो यहाँ पे भी कितना आएगा, 50 वोल्ट, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C4, V4 is equal to Q4 by C4, Q4 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 2 into 10 raise to minus 8, और वोल्टेज का C4 का वैल्यू कितना है, 100 पिको फैरड, 100 into 10 raise to minus 12, 100 that is 10 raise to 2, 10 raise to 2 minus 12 that is 10 raise to minus 10, 10 raise to minus 10 ऊपर जाएगा तो plus 10, so 10 raise to 10 minus 8, 10 minus 8 10 raise to 2, so 2 into 10 raise to 2 that is 200, clear? समझ में आया ये numerical? आएगा आपको, okay? Additional exercise में, so करना तो है और आना भी चाहिए। ओके क्लियर ओके, और ये न्यूमेरिकल अगर पूछना हो एग्जाम में तो कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए हो जाएगा। ये सर्किट से ये सर्किट समझ में आया, तो बाकी का तो कॉन्सेप्ट यूज करके हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। ओके क्लियर ओके थैंक यू।